क्या साक्षी महाराज का बदला पूरा करने के लिए सीएम योगी ने एक डीएम का ट्रांसफर करवा दिया। सोशल मीडिया पर यह सवाल उस दावे के बाद पूछा जा रहा है जिसमें कहा गया है कि योगी सरकार के आते ही चंद्रकला को मेरठ के डीएम पद से हटा दिया गया और वो इसलिए क्योंकि चंद्रकला ने साक्षी महाराज के खिलाफ कार्रवाई की थी। क्या है बदले की आग में डीएम के तबादले का वायरल सच, आइए देखते हैं। क्या बदले की आग में योगी सरकार ने एक डीएम का तबादला करा दिया और डीएम भी कौन जिन्हें उनके कड़क अंदाज के लिए जाना जाता है। ये टाइल्स लगा रहे हो कि तनख्वाह दे लेंगे वापस पैसा। चरण चरण चरण। जो बिगड़े हुए को कानून सिखाने के लिए पहचानी जाती हैं। अभी भेज दूंगी आने जेल, समझ क्या रखा है, क्या जनता का कैसा मजाक बना रखा है। दावा है कि योगी सरकार ने आते ही मेरठ की डीएम बी चंद्रकला का तबादला करा दिया। दावे के मुताबिक मेरठ की डीएम को कानून को सबसे ऊपर रखने की सजा मिली है। दावा है कि सीएम योगी ने चंद्रकला को साक्षी महाराज के खिलाफ की गई कार्रवाई की सजा देते हुए उन्हें डीएम पद से हटा दिया। ये है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मैसेज जिसमें लिखा है, भड़काऊ सोम और साक्षी के खिलाफ कार्रवाई करने वाली बी चंद्रकला को योगी सरकार ने डीएम पद से हटाया। बदले की आग में तबादले का दावा करने वाली ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। लोग चर्चा भी कर रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या वाकई इस निडर अफसर को ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाने की कीमत चुकानी पड़ी है। जनता के बीच लोकप्रिय चंद्रकला को पद से हटाने का कितना गुस्सा है ये बात फेसबुक पर लिखे जा रहे मैसेज से समझी जा सकती है। सरकार आते ही तबादले के दौर शुरू हो जाते हैं क्योंकि यहाँ एक ही कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। रूल ऑफ लॉ तो केवल कहने वाली बात ही है। एक और मैसेज देखिए, प्रदेश की सबसे जाबाज और ईमानदार अफसर को मिली ईमानदारी की सजा, योगी सरकार ने बी चंद्रकला को डीएम पद से हटाया। लोग तो मान चुके हैं लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई डीएम चंद्रकला का ट्रांसफर हुआ है, क्या चंद्रकला ने साक्षी महाराज के खिलाफ कोई कार्रवाई की थी। सबसे जरूरी सवाल ये कि क्या चंद्रकला का तबादला कराकर योगी सरकार ने कोई बदला पूरा किया। इन सवालों के जवाब के लिए एबीपी न्यूज ने वायरल मैसेज की पड़ताल की। इस पूरे मामले को समझने के लिए आप 2.5 महीने पीछे चलिए। 6 जनवरी को मेरठ में संत समागम के एक कार्यक्रम में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने मुस्लिम आबादी पर विवादित बयान दिया था। इसमें समस्याएं खड़ी हो रही जनसंख्या के कारण, उसके लिए हिंदू जिम्मेदार नहीं है, साक्षी महाराज जिम्मेदार तो बिल्कुल नहीं है। हम तो चार भाई, चारों के चारों सन्यासी, एक ने भी शादी नहीं की, तो हम जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार वो है जो 4 बीवी और 40 बच्चों की बात करते हैं। साक्षी महाराज की विवादित बयान का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने जिला कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी। जांच के बाद विवादित भाषण देने की वजह से साक्षी महाराज पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा और इसके बाद शहर के सदर बाजार थाने में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई। पड़ताल के इस हिस्से में तो ये साफ हो गया कि साक्षी महाराज के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, लेकिन इसका बी चंद्रकला को डीएम पद से हटाने का कोई संबंध है या नहीं ये जानना अभी बाकी था। इसलिए हमने अपनी पड़ताल को और आगे बढ़ाया। पड़ताल में पता चला कि बी चंद्रकला के खिलाफ योगी सरकार ने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया है। बी चंद्रकला अभी भी मेरठ की डीएम बनी हुई है। लेकिन मामले में ताजा अपडेट ये है कि बी चंद्रकला को केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति मिल गई है। उन्हें ये प्रतिनियुक्ति सजा के तौर पर नहीं बल्कि बी चंद्रकला की अपनी गुजारिश पर मिली है। उन्हें केंद्र में पेयजल विभाग में उप सचिव बनाया गया है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में बदले की आग में डीएम के तबादले का दावा करने वाला वायरल मैसेज झूठा साबित हुआ है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।